नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है हरियाणा पंजाब का, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुरुग्राम पहुंचे। बता दें कि गुरुग्राम में पीएम ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। बता दें कि हरियाणा के गवर्नर दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गुरुग्राम में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही गुरुग्राम पहुंचे पीएम मोदी गवर्नर में सीएम मोदी उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बता दें कि उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। पीएम ने यहां गुरुग्राम से देश भर में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर अपने पुराने दिनों की चर्चाएं करते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टेज पर उद्घाटन करते हुए भी अपनी अतीत पर एक दिलचस्प बात बताई। बता दें कि उन्होंने कहा कि कैसे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाइक पर घूमा करते थे और तब सड़कें कितनी बुरी हालत में थी। साथ ही पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की 19 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन करते हुए अपने पुराने दिनों की यादें ताजी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मोटरसाइकिल पर मैं पीछे बैठा करता था और दोनों गुरुग्राम जाया करते थे। हरियाणा के करनाल में पूर्व विधायक और सीपीएस जिले राम ने सोमवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। बता दें कि उनके साथ इंद्रिय विधानसभा से प्रदीप समेत 116 लोग भी भाजपा में शामिल हुए। इन सभी को सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने जा रही मनोहर सरकार। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधीर शहर में 3,35,00,000 के विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने जगाधीर शिवपुरी सोसाइटी में 80 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसी के साथ हुड्डा सेक्टर 18 में 1,55,00,000 रुपए की लागत से नव निर्मित सड़क का उद्घाटन और सेक्टर 18 में 41 लाख की लागत से 3 पार्कों के सौंदर्यकरण के कार्य का शुभारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम और लगातार सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर शिक्षक के क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रही है मनोहर सरकार। आपको बता दें कि यमुनानगर में राजकीय मॉडल संस्कृत वैश्विक माध्यमिक विद्यालय का स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 2,33,00,000 की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकारी स्कूल बच्चों को आज भी तरक्की के साथ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। खबर यमुनानगर से है, जहां राष्ट्रीय संघ समिति संगठन के आह्वान पर निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मियों ने सोमवार को लघु सचिवालय के सामने पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम को एक ज्ञापन भी सौंपा। जो
विधायक गोयल, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 2 साल हो गए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बता दें कि आज नगर पंचायत खरोली कार्यालय के में वीरेंद्र गोयल को विधायक चुना गया। बता दें कि इस अवसर पर विधायक वरिंद्र गोयल ने कहा कि सरकार के 2 साल होने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चुनाव से पहले जनता को जो वादे किए थे उन्हें पूरा भी किया है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सरकार ने जिहड़े 2 साल पूरे होए ने बहुत सफलतापूर्वक होए ने। अज पंजाब दा हर बच्चा यह महसूस कर रहा है, हर नागरिक यह महसूस कर रहा है कि ये सरकार सही मायने दे विच लोकां दे हितां दी राखी कर रही है। सरदार भगवंत सिंह मान की अगवाई दे विच जिस दिन तो सरकार बनी है उस दिन तो काम शुरू करते नहीं, लोकां नू जिहड़ियां पिछलियां सरकारां रहियां ने 2-3 साल तक कदे काम का सवाल ही नहीं उठता सी, वो तो 4th-5th साल कि जाके काम की शुरुआत कर देती, फिर आप ही किसी तो स्टे करा दी, परनाला उत्थे दा उत्थे रह जांदा सी। फिर 2 साल दियां प्राप्तियां अज मैं 14 पिंडां 'च जाके आया। पिछले दिन ही जो लोकां दी हितां पिछे लोकां दे कम्मां कारां पिछे कैंप लाए गए थे, मैं 65 कैंप हल्के लहरे दे अटेंड कीते सी। लोग खुद इस गल नूं मन के चल रहे ने कि सरकार ने बहुत वधिया काम कीते ने, शुरू तो काम कर रही है ते लोग संतुष्ट ने। बात करेंगे अगली खबर की। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के हलका बस्ती पठान से साबका विधायक और जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह जीपी की तरफ से अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहे गए और आम आदमी पार्टी का पल्ला पकड़ लिया। बता दें कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हलका बस्ती पठाना से सीनियर अयोग्यों मेंबरों, वर्करों और समर्थकों में रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान एक मीटिंग भी रखी गई जिसमें विशेष तौर से जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अमर सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए युवा न्याय गारंटी अभियान को यूथ कांग्रेस घर घर पहुंचाने के लिए कमर कस चुकी है। बता दें कि हर भारतीय युवाओं को पक्की नौकरी मिले, पेपर लीक से मुक्ति मिले और युवा रोशनी के लिए बजट का प्रावधान हो, इसी सभी मुद्दों को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। इसी अभियान की शुरुआत राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। पंजाब के जलंधर कैंट के हलका गांव में खेतों के से उठाई जा रही है मिट्टी को लेकर गांव वासियों ने कांग्रेस विधायक प्रकट सिंह से बातचीत की, तो वहीं कांग्रेस विधायक और गांव वासियों ने, आपको बता दें कि अकाली दल के हलका इंचार्ज सहित 2 और ठेकेदारों पर यह आरोप लगाया है कि उनके 3 गांव से खेतों में लगभग 30 से 40 और 60 से 70 फीट तक की मिट्टी नाजायज माइनिंग की जा रही है। बता दें कि अगर कोई गाँव वाला पुलिस से शिकायत करता है तो उन्हें धमकी देकर डरा दिया जाता है, तो वहीं इस मामले में सरकार की उच्च अधिकारियों तक कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस शाहनाज गिल के पिता संतोष सिंह गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरा कॉल आया है और उसमें 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उस आदमी ने उन्हें धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने रंगदारी की रकम नहीं दी तो पहले उनकी बेटी और फिर उनको मार दिया जाएगा। बता दें कि संतोष सिंह ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत पर ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले पर पुलिस प्रशासन का पक्ष भी सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि
उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज है। साथ ही उन्होंने पहले पुलिस के सुरक्षा दी थी क्योंकि वह एक संगठन के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहले भी पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग किया था और जब वो कहते हैं कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरा कॉल आया है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस ऑडियो विच उन्हां वल्लों कहा गया है कि उन्हां नूं खतरा है, उन्हां नूं थ्रेट कॉल आई है ते 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। सरदार संतोख सिंह गिल के खिलाफ 7-8 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, परंतु फिर भी इन्हां नूं पंजाब पुलिस वल्लों सुरक्षा मुहैया की गई है क्योंकि ये किसी संस्था के चेयरमैन हैं और इन्हां नूं सुरक्षा मिली हुई है, परंतु चैकिंग दौरान इन्हां वल्लों अपनी सुरक्षा की दुरवरतों की गई, जिस नूं यही दुरवरतों करतों तो वर्जिया गया, जिस कारण इन्हां वल्लों सोशल मीडिया से पोस्ट पा के लोगों नूं गुमराह किया गया। रेवाड़ी में एक खड़ी कार से दूसरी कार टकरा गई। बता दें कि हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 की मौत हो गई तो वहीं 2 महिलाएं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बता दें कि कार सवार लोग खाटू शाम से लौट रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ। बात करेंगे अगली खबर की। पिटबुल कुत्ते के हमले की अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन जानवरों को घरे में पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। इस खतरनाक कुत्ते के हमले से एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे PGI रेफर कर दिया गया। खनूरी बॉर्डर पर धरना दे रहे 65 साल के किसान बलदेव सिंह की हालत बिगड़ने पर उन्हें राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बता दें कि किसान बलदेव सिंह 13 फरवरी से खनूरी बॉर्डर पर तैनात थे और भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी थे। साथ ही आपको बता दें कि 65 साल के किसान की मौत हो गई, उन्हें राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया जिस दौरान उनकी मौत हो गई। खबर बल्लमगढ़ से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने ऑटो चालक को बुरी तरह से सड़क पर पीटा, साथ ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर फिलौर से है, जहां फिलौर हाईवे और मेया दरबार के सामने एक भीषण दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही मृतक महिला की पहचान जलंधर की रहने वाली जेसिका के रूप में हुई है और जो कि एक स्कूल टीचर भी थी। पंचकुला पुलिस और CM फ्लाइंग ने संयुक्त ऑपरेशन कर पंचकुला के नाइट क्लब में छापा मारा। बता दें कि पुलिस ने क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पहली बार पुलिस ने हुक्के को लेकर आरोपियों को भी रिमांड में लिया। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्के और शराब की बोतलों को भी कब्जे में लिया। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब रोडवेज बस के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बता दें कि ये कर्मचारी 13 मार्च को पूरे पंजाब में पूर्ण हड़ताल करने वाले हैं। तो ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। तो वहीं अब बस यूनियन के सदस्य 11 मार्च को सभी परिवहन डिपो में गेट मीटिंग में रैलियां करेंगे और 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से सभी डिपो में बसों को रोक दिया जाएगा। साथ ही 13 मार्च को मोहाली से पंजाब विधानसभा तक मार्च भी करेंगे।
अंबाला में नगर निगम की बजट बैठक हुई जिसमें 1.62 अरब के बजट पर मोहर लगाई गई। बता दें कि इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। साथ ही बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद ने अधिकारियों को कुंडी लगाकर काम करवाने की बात भी कही। तो वहीं इस बैठक के दौरान मामला सेंटर के फंड पर भी उठाया गया। तो वहीं बीजेपी पार्षद ने अनिल बिज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जिला बार एसोसिएशन की मेंबर रितिका गुप्ता को पीसीएस जुडिशन के लिए चुना गया। बता दें कि जिसके बाद जिला बार एसोसिएशन को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट अमरदीप सिंह ने रितिका गुप्ता को जज चुने जाने की बधाई देते हुए कहा कि वह लोगों को पूरा इंसाफ दिलाएंगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।